हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कितनी इजीली बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कैसे और कहाँ से डाउनलोड करनी है ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज पावर पॉइंट के रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे, सो दैट यू डू नॉट स्किप एनी वन ऑफ दैट। नाउ, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पावर पॉइंट का जो आइकन बना हुआ है, हम यहाँ से अपना जो पावर पॉइंट है वो ओपन करेंगे एंड वी विल सी व्हाट द फर्स्ट स्लाइड कम्स आउट टू बी। ये देखिए, यहाँ पर जो मैं पहले से ही प्रेजेंटेशंस बना चुकी हूँ वो हैं, बट वी वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास पहले बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी, तो आप ऊपर जो राइट कॉर्नर पे प्लस का साइन है यहाँ पे क्लिक करें, तो आपके पास ये इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, इतनी सारी थीम्स हैं, ये आपके पास आ जाएंगी। जो भी आपको पसंद आए, आप चूज़ करना चाहते हैं, आप वो थीम ले सकते हैं, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में वो वाली थीम चलेगी। सो लेट्स चूज द सर्किट थीम हेयर। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्लाइड दैट वी आर गोइंग टू सी हेयर दैट कम्स आउट। सो देखिए, नीचे जो है वन लिखा हुआ है, ऑरेंज कलर का आ रहा है। यहाँ पे आपकी जो स्लाइड्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में आती हैं कि आपने कितनी स्लाइड्स बनाई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्लाइड्स छोटी होकर यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ऊपर जो हमारी मेन स्लाइड है, अगर हम वहाँ पे डबल टैप टू ऐड टाइटल, तो यहाँ पे आप सब कुछ अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसका लेआउट कुछ डिफरेंट करना है, तो हमारी स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पे आपके पास लेआउट की इतनी सारी ऑप्शंस हैं। अपने नीड के हिसाब से आप कोई भी ये लेआउट की ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम चूजिंग द टाइटल ओनली ऑप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक आई एम टाइपिंग हेयर द नेम ऑफ माय चैनल, ओके। अब सिर्फ टाइप करने से ही काफ़ी नहीं होगा, हम इस टेक्स्ट को अच्छा लुक भी देना चाहते हैं, तो आप कैसे देंगे? देखिए, नीचे अंडरलाइन है, इटैलिक है, बोल्ड है, देन ए कलर से आप कोई भी कलर इसका चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी विल चूज द रेड कलर हेयर। एक बात और, अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो सारी चीज़ पर अप्लाई होगा, बट इन पर्टिकुलर ऑल्सो आई शो यू कि अगर आप कुछ टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करें तो आप उस पर भी कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? सिलेक्ट करें और जो भी ऑप्शन, जो भी कलर, जो भी टेक्स्ट कंटेंट वो आपको उसको देना चाहते हैं, वो आप इजीली दे सकते हैं। नाउ ये साइज़ जो है हमें बहुत छोटा लग रहा है, तो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको अप की एरो नज़र आ रही है, तो यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, लुक लाइक दिस। तो जो इसके फॉन्ट स्टाइल है, हम वो भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें हमारे पास अवेलेबल है या हमें पसंद आता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव चोजन द एरियल ब्लैक हेयर। तो हमने फॉन्ट, कलर, बोल्ड, इटैलिक ये सब कुछ कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर अलाइन हो जाए, तो यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट की, जस्टिफाई, टेक्स्ट रोटेशन, देखिए ये सारी ऑप्शंस हैं, फाइन। तो हमने यहाँ से सेंटर अलाइन इसको कर लिया है, ये हो गई है देखिए हमारी स्लाइड रेडी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फीचर्स। अब बिल्कुल बॉटम पे हमने लेआउट की ऑप्शन कर ली है, तो अब हम इसके साथ एक न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो राइट साइड पे यहाँ पे प्लस का साइन है रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, यहाँ से आप कितनी भी स्लाइड्स खुद की ऐड कर सकते हैं। तो नीचे देखिए, ये जो आपको कॉलम्स और रोज नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली द टेबल। अगर आपको अपनी स्लाइड में टेबल ऐड करना है, तो आप वो ईजिली कर सकते हैं। इसका साइज़ देखिए, आप इसको ड्रैग डाउन करें, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। एंड अगर इसमें आप अपनी रोज़ या कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, सपोज़ आई विल शो यू हाउ टू ऐड रो इन इट। तो नीचे से बॉटम सेकंड में देखिए, नीचे की एरो बनी हुई है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास एक रो ऐड हो चुकी है। तो अब इसमें आप टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? डबल क्लिक करें किसी भी
सेल पर इस टेबल के किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो अब वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया शेप्स, तो ये भी जो टेक्स्ट है आप इसको कैसे मर्जी अपना वैसे ही एडिट कर सकते हैं, विद द कलर्स, विद द टेक्स्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक एंड सो ऑन, आप इसके साथ वो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं ताकि हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन को अच्छे से देख पाएँ। तो इसके साथ ही हमारे पास होती है इमेज की ऑप्शन। इमेज में आप अपने फ़ोन में से कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, साइज एंड लार्ज डिक्रीज कर सकते हैं इजिली। नाउ नेक्स्ट इज़ द शेप्स। तो शेप्स में हमारे पास हम देखते हैं इतनी सारी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए वर्किंग पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे आप लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। एक दो बारी जब आपने ये एप्लीकेशन यूज़ कर ली फ़ोन पर तो आप इसके साथ थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स इंसर्ट एंड शेप। तो यहाँ पे जो बॉटम में आपको ये फोर एरोज नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप इस शेप को कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप इसको एनलार्ज हैं या स्मॉल करना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, आप इसको ड्रैग करें सिमिलरली जैसे आप कंप्यूटर पे माउस के साथ राइट कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करते हैं वैसे ही यहाँ पे करना है। अब हमें यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं चाहिए तो आप इसका कलर कैसे चेंज करेंगे? नीचे फिल की ऑप्शन है, कलर फिल की, यहाँ पर जाकर आप कोई भी अपने पसंद का कलर चूज कर सकते हैं। फाइन, अब इसी के साथ देखिए हमारे पास ये है एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें ए लिखा हुआ है। अगर हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर या फिर कहीं भी स्लाइड पे, देखिए जो भी आप चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं तो हर एक चीज़ आप ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं, इधर उधर स्लाइड पे कहीं भी ले जा सकते हैं उसको ड्रैग करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया है शेप वन, ओके। तो अब हम देखते हैं हमारे जो ऊपर प्रेजेंटेशन के बटन्स हैं, व्हाट डज दैट। तो ए और पेंसिल बनी हुई है, इस पर हम क्लिक करें। देखें अगर आप यहाँ पे कोई भी शेप, कोई भी टेक्स्ट, जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, आप इसका साइज, इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो वो इजिली यहाँ से हो सकता है, ओके। तो इसका आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं इजिली। नाउ नेक्स्ट इज़ द सर्च बटन। ये प्रेजेंटेशन में आप कुछ भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वो आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। देन इज़ द स्लाइड शो बटन। ये हमारा बहुत ही मेन बटन होता है, जब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर हो जाती है तो हम उसका स्लाइड शो देखते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल व्यू दैट वी हैव क्रिएटेड, ठीक है। ये बिल्कुल जब हमारी सारी स्लाइड्स, हमने ये इसकी सारी ऑप्शंस देख ली, फिर हम ये स्लाइड शो चलाकर देखेंगे। देन इन द राइट साइड इज़ द थ्री बटन्स। ये किस लिए हैं? इसमें से आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं, किसी स्लाइड के रिलेटेड या फिर अपनी प्रेजेंटेशन के रिलेटेड नोट्स ऐड कर सकते हैं। एंड ये प्रेजेंटेशन आप PPT के फॉर्म में ही शेयर कर सकते हैं या फिर इसको आप PDF के फॉर्म में भी वैसे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही है। तो इसको आप सेव करेंगे तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन वन जैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा है, प्रेजेंटेशन वन में सेव हो जाएगी। अगर आप इसको सेव एज करेंगे तो आप खुद से कोई भी नेम इसको दे सकते हैं सेव करने के लिए। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, जो चलिए पहले तो हम एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं न्यू फीचर्स जानने के लिए। ये जो हमने एरो पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप होम पे क्लिक करें तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। इंसर्ट आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट टेबल करना चाहते हैं, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, शेप्स। देखिए वीडियो तक आप PPT में अपने इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। कोई भी आप अपने फ़ोन में से वीडियो सेलेक्ट करें वो यहाँ पे आ जाएगी और वैसे ही प्रेजेंटेशन में चलेगी। नाउ नेक्स्ट इज़ द ड्रॉ यूजिंग विद अ माउस और टच। तो आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं, गलत ड्रॉ हो गया इरेजर यूज़ कर सकते हैं, पेन, हाइलाइटर, ठीक है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ इज़ द डिज़ाइन। देखिए हमें अगर ये सर्किट वाला डिज़ाइन पसंद नहीं आया, हम अपनी प्रेजेंटेशन में वर्क कर रहे हैं एक्चुअली, तो विद इन वर्किंग मोड आप इसको चेंज डेफिनेटली कर सकते हैं। हमारे पास डिज़ाइन में ये सारी थीम्स हैं, अगर आप कोई भी चूज़ करना चाहते हैं, लाइक हम ये वाली थीम मेन इवेंट इसको चूज़ कर देते हैं, तो ये वाली जो थीम है हमारी ये सारी स्लाइड्स पर लग चुकी है। देखिए ये हमने टेबल बनाया था, यहाँ पे शाइना गोयल लिखा था
एंड ये हमारी सारी जो है थीम यहाँ पे चेंज हो चुकी है। चलिए हम कोई और थीम लगा कर देखते हैं। ये फर्स्ट वाली हम लगाते हैं मेडिसन थीम। ये देखिए बिल्कुल ईजिली आप जो भी थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो वेरी ईजिली यहाँ पे लग जाती है। इन दैट केस अगर आप बैकग्राउंड का कलर ही ओनली चेंज करना चाहते हो तो फिर वो भी ऑप्शन पॉसिबल है। तो आप कोई भी कलर चूज़ कर लो। ये साइड में देखिए येलो कलर हो गया है। जो भी इसका बैकग्राउंड होगा उसको जो आप कलर देंगे वो इसमें चूज़ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ये देखिए आपकी प्रेजेंटेशन को सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालती हैं वो ट्रांजिशन एंड एनिमेशन होती हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो ट्रांजिशंस होती हैं वो स्लाइड्स पर अप्लाई होती हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कैसे आए। तो हम ट्रांजिशन चूज़ कर लेते हैं। देखिए इतनी सारी जो ट्रांजिशंस आपने देखी होंगी, वी ऑल आर फेमिलियर विद ऑल दीज ट्रांजिशंस बिकॉज हम इसको यूज़ कर चुके हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे। तो हम सपोज़ चेक दिस ट्रांजिशन वी आर अप्लाइंग, हम इसको अप्लाई कर देते हैं टू ऑल, यानी कि सारी स्लाइड्स पे हमने ये वाली ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ये डाल दिया है। अब हम देखेंगे एनिमेशंस। एनिमेशंस दोस्तों लगती हैं ऑब्जेक्ट्स पर, यानी कि यहाँ पे हमने स्लाइड में अभी कुछ डाला नहीं है, हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने ये शेप बनाई है, ठीक है, तो शेप पे हम एनिमेशन लगाते हैं कि हमारी शेप जो है कैसे आएगी सामने जब हमारी प्रेजेंटेशन चलेगी। सपोज़ वी आर सिलेक्टिंग द व्हील इफेक्ट, हमने इस पर लगा दिया, देन वी विल अप्लाई सम एनिमेशन टू शेप वन, जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इस पर हम कोई और चलिए हम इस पर फेड वाली ऑप्शन लगा देते हैं एनिमेशन। ये जब हम स्लाइड शो चलाएंगे तब इसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। देन इज़ फ्रेंड्स द स्लाइड शो। यहाँ पे अगर हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि जिस स्लाइड पे आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं क्या आप वहीं से चलाना चाहते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड या फिर बिल्कुल फर्स्ट वाली स्लाइड से। तो आप स्लाइड शो यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर ऊपर जो मैंने आपको थर्ड ये दिखाया था टीवी टाइप बना हुआ है बीच में ट्राइंगल बनी हुई है यहाँ से भी आप स्लाइड शो कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रीफ में अपनी जो है सारी डिस्कस कर ली हैं। तो चलिए हम शाइना गोयल पर इस पर भी कोई एक एनिमेशन लगाते हैं ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी हमें और अच्छी नज़र आए। सो हमने इस पे लगा दिया रैंडम इफेक्ट, फाइन। तो वी आर रेडी नाउ टू गेट दैट इन द स्लाइड शो मोड। हमने इस स्लाइड शो देखिए अब टेक्स्ट नहीं लिखा है तो वो कैसे आएगा जब आप अपनी स्क्रीन को राइट में स्वाइप करते रहेंगे। देखिए ये हमने इफेक्ट इस पे लगाया था तो इस पे आ गया है और हमारी ये देखिए ट्रांजिशन में जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ये बिल्कुल ट्रांजिशन वैसे ही हो रही है जो हमने चूज़ की थी। अब यहाँ पे तो शेप आनी चाहिए थी, अरे वो आएगी ना, इसको स्वाइप करिए, देखिए शेप हमारी आ गई है। अब आएगा टेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट स्वाइप एंड फाइनली दिस इज़ अवर लास्ट स्लाइड। तो इसके बाद अगर आप स्वाइप करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी एंड हम वापस अपनी जो स्क्रीन है वहाँ पे आ जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है ये ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। सो आई होप ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो वीडियो है, ये आपको पसंद आई होगी। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू स्पेशली इन दिस लॉकडाउन टाइम जब आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप की फैसिलिटी शायद ना हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें विद द हिट ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट माई लेटेस्ट अपलोड्स एंड डू चेक माई प्लेलिस्ट ऑल्सो फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज़। कीप वॉचिंग।